जैसे हम लोग का छत्तीसगढ़ में ना ये गोदना पेंटिंग, हर आदमी ये गोदना को लगवाते थे, तो बिना गोदना के बिहार शादी नहीं करते थे। जैसे भरा भरा गोदना रहते थे तो लोग बोलते कि बहुत अमीर के लड़की है ऐसे करके, और जैसे गोदना नहीं रहती थी ना तो उनको मतलब कि नफरत मानते थे, ये गरीब के लड़की है ऐसे करके। जिसके हाथ में गोदना रहेगा उसी के हाथ में पेंटिंग वाला साड़ी पहना के उसी के हाथ में पूजा पाठ देवता देवी मतलब पसंद करते थे। ये गोदना आप का है, गांव गांव में जब पढ़ा लिखा हो गया तो उन लोग गोदना ये काला काला हम लोग नहीं गोदाएंगे। इसके बाद में फिर हम लोग सोचे कि भाई हम लोग का गोदना तो ये छिप रहा है, तो इसीलिए हम लोग जंगल से छाल, जैसे रोहिना का छाल, खैर खिरसाली का छाल, ये सब से कूट के उसको मटका, जैसे मिट्टी का मटका में उसको उबालते हैं, उबाल के निकाल देते हैं उसका छाल जितना कचड़ा को, और उसी का पानी को मतलब केमिकल बनाते हैं, तो उससे कत्था कलर बनता है कपड़ा में पेंटिंग करने के लिए। और काला कलर जैसे हर्रा बहेरा और तेंदू का छाल, तेंदू का फल, तेंदू का उसका पत्ता करके उसको उबालते हैं, उसको भी कूट के, तो वो ना काला कलर बनता है। हम लोग कपड़ा में बनाते हैं, जैसे बेडशीट में, साड़ी में, कोसा के या कोई भी कपड़ा, प्लेन कपड़ा होना चाहिए। अपन मन से हम लोग के डिजाइन भी निकाल सकते हैं और अपन मन से हम लोग बनाते हैं, कोई चीज़ हम लोग देख के नहीं बनाते हैं। और ये कलर छूटता भी नहीं है, साबुन में धो सकते हैं, ये कलर नहीं छूटता, न जाता नहीं, ये पक्का कलर होती है। मेरे को नेशनल अवार्ड भी मिला था, तीसरा स्थान में हम लोग का छत्तीसगढ़ तरफ से, तो हम लोग का और अच्छा आगे बढ़ा रहे हैं काम। और जैसे हम लोग का छत्तीसगढ़ में ये सब साड़ी बहुत पहनते हैं। गोदना पेंटिंग तो मैं ही शुरुआत की, मैं 5 साल की उम्र से मैं गोदना पेंटिंग मतलब कि ये करते आते हूँ, और जैसे कि 20-40 महिला पूरा गांव में अब 9 महीना तक मैं सेंटर मतलब कि ट्रेनिंग दिए हूँ। अब घर में ऐसे बनी मजदूर भी करते हैं, बाल बच्चा सब हम लोग का परिवार यही काम करते हैं। कम पूंजी लगा के हम लोग कपड़ा खरीद के उसमें हम लोग पेंटिंग करते हैं, नेचुरल कलर इसको बोलते हैं। पहले शरीर में लगवाते थे उसको तो मतलब कि ये राई सरसों का तेल, उससे मतलब कि बात कपड़ा का बात बना के, और उसको मिट्टी का कपड़ा में उसको ढांप देते थे, उसका धुआं निकलता था उसी में, मतलब कि उसको पानी में घोल के सुई डुबा के शरीर में। पहले माँ बाप दहेज के रूप में इसको गोदाते थे, पहले तो पेपर में, कैनवास में, हम लोग की रुमाल में, इसके बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ाते गए, मतलब साड़ी और बेडशीट, यहाँ सलवार सूट और शॉल और दुपट्टा, ये सब।